एमके समीकरण बनाया जाए, मुस्लिम कोरी समीकरण, क्योंकि दोनों जो मेजर कम्युनिटी है, ये दोनों मेजर कम्युनिटी को बुरी तरह से ये लालू जी और नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है। देखिए, इंडिया के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात एनडीए, तो एनडीए में जो कुछ जो लोग हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, एक बीजेपी में कुछ इनको वीज़ा दिलवा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। जो बिहार और देश की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण इस मामले में है कि खास तौर से बिहार में लालू जी का M/2 समीकरण और नीतीश कुमार जी का लॉ कुश समीकरण लगातार 15-20-25 साल से चलते रहा है। लालू जी का M/2 समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो चुका, क्योंकि आज तक मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया गया। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा राजद के एक तरह से खिलाफ़ हो गया है। उसी तरह से नीतीश कुमार जी का जो लोग उस समीकरण के आधार पर सत्ता में गए, लेकिन बुरी तरह से कोरी समाज को इन्होंने नेगलेक्ट करने का काम किया, और उसके वजह से कोरी समाज भी बिल्कुल ठगा ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी और काउंसिल ऑफ इस्लामी रिसर्च सेंटर ने फैसला किया है कि बिहार में क्यों नहीं M/2 समीकरण और लॉ कुश समीकरण समाप्त हो चुका है, तो मुस्लिम कोरी M/K समीकरण क्यों नहीं बनाया जाए। और आज हम लोग जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सैयद साहब शाहजहाँ अहमद साहब जो इसके चेयरमैन हैं, हम लोग मिल करके आज काफ़ी डिस्कशन हुआ। M/K समीकरण बनाया जाए, मुस्लिम कोरी समीकरण, क्योंकि दोनों जो मेजर कम्युनिटी है, ये दोनों मेजर कम्युनिटी को बुरी तरह से ये लालू जी और नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है। और मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह समीकरण बिल्कुल प्रभावी इसलिए होगा कि मुस्लिम और कोरी, मुस्लिम लालू यादव जी से त्रस्त है RJD से, और कोरी समाज नीतीश कुमार से त्रस्त है। इसलिए ये पब्लिक डिमांड है, और हम लोग जल्द 5 सितंबर जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस पूरे महीना में चलाया जाता है, शहीद जगदेव रथ 5 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे, जो पूरे बिहार के सभी जिला में और झारखंड, दो राज्यों को हम लोग अभी टारगेट बनाए हैं। बाकी आप बताइए कि सेकुलर पार्टियां देश में है, ये हरियाणा में जो नुहू जगह है, जिस तरह का घटना हुआ है उसका हम आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से वहाँ जो हजारों मुसलमानों का घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, भाई सरकार फेलुअर है। अगर प्रॉपर वे में एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम रहता, पुलिस की व्यवस्था होती, तो इस तरह की क्यों घटना होती? तो दोषी है सरकार, और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि सेकुलर पार्टी के नाम पर कांग्रेस और जितने पार्टियां हैं, एक भी अभी पार्लियामेंट चल रहा था, नुहू का इन लोगों ने चर्चा तक नहीं किया। इससे ज़्यादा मुसलमानों को नेगलेक्ट करने का काम सेकुलर पार्टी और क्या करेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष हैं, खासतौर पर झारखंड बिहार में, हम उन लोगों में जागरूकता लाएंगे, और एक जो है
जो आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, आज जो है आज की बीजेपी है, हिंदू विश्व परिषद है, हिंदू महासभा है, बजट इस सब का खौफ जो दिलाकर वोट हासिल करने की जो राजनीति है उससे मुसलमानों को खबरदार करना है। और उसके बाद तब इस नतीजे पर कि इस हम कोई कॉमनल राजनीति का हम पर लेबल न लगे, इसलिए हमने फैसला लिया है काउंसिल ऑफ इस्लामिक ने कि नागमणि जी जो है कुशवाहा समाज में इनके एक अच्छी खासी पकड़ है, इनके पिताजी जो थे नाग जो है जगदेव बाबू वो लेनिन के नाम से जानते थे, बहुत बड़े लीडर थे, है ना। तो इस इनसे बातचीत होने के बाद ये हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एम वाई समीकरण का खात्मा तो हो ही रहा है, मुसलमान विश्वास नहीं करते, मजबूरी के तहत लालू के साथ या नीतीश के साथ है, खुशी से नहीं। तो अब जो है मुस्लिम औक्वेरी समीकरण के तहत हम लोग काम करेंगे और भी सारे समुदाय के लोग जुटेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है, लेकिन ये तय हो गया है कि ऐसी मुहिम को पूरे बिहार में और झारखंड में चलाएंगे। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर थ्रू आउट द कंट्रीज है, यूपी में भी हर जगह है, तो इसके माध्यम से जब ये दो स्टेट ख़त्म होगा तो हम उत्तर प्रदेश में भी कदम रखेंगे और मुसलमानों को जो है हम इस बात से बेदार करेंगे कि तुम ये तथाकथित जो सेकुलर पार्टी है जिस तरह कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की, आज ये भी कर रहे हैं, किसी मुस्लिम मसाइल मुद्दे पर ये खामोश रहते हैं कि हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा, चाहे वह अखिलेश हो या ये बिहार के लोग हों या दूसरे लोग हों, मुसलमान पर जो अत्याचार मॉब लिंचिंग जुल्म हो रहा है। नहीं नहीं देखिए, इंडिया के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात एनडीए, तो एनडीए में जो कुछ जो लोग हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, एक बीजेपी में कुछ इनको वीज़ा दिलवा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो ऐसे हालात में जो है कई आदमी जो है ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग कोई, लेकिन हाँ उनको अप बैलेंस होकर वाकई जमहूरी जो निज़ाम इस मुल्क का है लोकतंत्र है उसके दायरे में रहकर उस पर विचार किया जाएगा। ये नहीं है कि मुसलमान कोई कॉमनल लाइन पर चले, हम वैसे साहब हम कॉमनल लाइन पर कत्ता ही नहीं मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के तमाम जो लोग हैं इस लोकतंत्र के साये में जो अम्ब्रेला छाता है उसके दायरे में हम लोग रहकर बात करेंगे। इसीलिए इनके साथ इनका हाथ पकड़ा है हमने नागमणि जी का, क्योंकि अगर अकेले हम निकलते हमारी वह ताकत ऐसा नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान में, तो लोग कहता है कि ओवैसी का शाहजहाँ भी कॉमनल है, तो हमने इनका इनसे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद नतीजे पहुँचे और देखिएगा ये मिसाल कायम होगा कि अगर बिहार में मुसलमान और झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसकी लहर पूरे देश में जाएगी, एक एक मुसलमान को आगाह करेंगे कि तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ वोट ग्रस्त किया गया है, और ये जो है अगर नहीं देखिएगा कैसे अलग होगा, इनका सारा नशा फाड़ देंगे। ये जो है कांग्रेस ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया और कांग्रेस के नक्श कदम अब ये लोग भी चल रहे हैं, साइलेंट है, ये जो अपने को सेकुलर कहने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश का मॉब लिंच हुआ, अभी 700-800 मुसलमानों का घर रूम जो ढा दिया गया, एक लफ्ज तो पार्लियामेंट चल रहा है, किसी अपोजिशन के नेता ने बोला एक लफ्ज उस पर वो आवाज़ उठाया नहीं, तो इस गर्ज से जो है हम लोग जो हम तय, ये नहीं कि हम कोई कॉमन लाइन पर बात कर रहे सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो है मजबूत उसी वक्त होगा मुसलमान जब यह तब अभी बिहार में देखिए 9-10% है और पढ़ी लिखी कौम है, समझदार है, पॉलिटिकल सूझबूझ है कोई भी में, तो हमने कहा कि नहीं आप नागमणि जी बिहार के बहुत मशहूर और मकबूल रहनुमा है, अपने समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ है।